कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही उनके जैसा विनम्र व्यक्ति लंबा राजनीतिक करियर बना सका और कई बार विधायक और सांसद बन सका। सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। खड़गे ने ये बात तेलंगाना के मंचेरियल में शुक्रवार रात जय भारत सत्याग्रह सभा में कही। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे के भीतर नोटिस दिया गया, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। गुजरात के एक भाजपा सांसद को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बावजूद अयोग नहीं माना गया था, हालांकि खड़गे ने सांसद का नाम नहीं लिया। खड़गे ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करोड़ों नौकरियां देने का वादा भी पूरा नहीं किया। वहीं तेलंगाना में बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित परिवारों से 3 एकड़ जमीन देने समेत कई वादे किए गए थे, जिन्हें पूरे नहीं किया गया। बीआर अंबेडकर की जयंती पर खड़गे ने उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माता के कारण ही दलितों और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।